platform. Today we are going to know about the sexual reproduction in algae. Algae में basically होती है gametes की fertilization. Male gamete is basically sperm and egg. और अगर gametes same size के हों उन्हें isogametes कहते हैं. Different size और shape के हों heterogametes कहते हैं. नॉर्मली हेट्रोगेमेट्स इसलिए होते हैं कि जो एग है डेट इज़ लार्जर इन साइज एंड मेल गेमेट्स आर स्मॉलर इन साइज दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट. अगर दोनों गेमेट्स बन रहे हैं ऑन द सेम थैलस तो उसे मोनोइशियस या होमोथैलिक कहते हैं ऐसे एल्गी को, और अगर डिफरेंट थैलस पे बन रहे हैं तो उसको डाइशियस या हेट्रोथैलिक एल्गी कहते हैं. अब इसके बाद जो रिप्रोडक्शन है अगर उसमें सेम साइज और सेम स्ट्रक्चर के गेमेट्स इन्वॉल्व हैं उसे आइसोगैमस कहते हैं, और ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी. हेट्रोगैमस कब होते हैं जब डिसिमिलर साइज के और स्ट्रक्चर उनका एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ऐसे गेमेट्स इन्वॉल्व हों. अगर वो गेमेट्स इंडिपेंडेंटली बन रहे हैं लार्जर गेमेट फीमेल और स्मॉलर गेमेट मेल जैसे कि क्लेमेडोमोनास में होता है, और ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल यानी बॉडी के किसी भी सेल में अलहदा हो जाता है एक सेल, और वो सेल एज अ स्पर्म और एज अ एग बिहेव करता है. यानी वेजिटेटिव सेल्स ही एज अ स्पर्म और एग बिहेव करेंगे तो उसे एनाइसोगैमी कहते हैं. और एक होती है ओगैमी. ओगैमी थोड़ी डिफरेंट है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं. ये होती है फिलामेंटस एल्गी में. क्लेमेडोमोनास यूनिसेलुलर थी, फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एल्गी में. ओगैमी होती है जो एंथेरिटिया और ओगोनिया दीज आर ऑर्गन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स. एंथेरिडिया के अंदर स्पर्म्स बनेंगे और ओगोनिया के अंदर एग्स बनेंगे. आगे आपने करने हैं लाइफ साइकिल्स ऑफ एल्गी. एल्गी के लाइफ साइकिल्स जो हैं दे आर फाइव टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल जो हम एक एक करके करेंगे. एल्गी में डिफरेंट क्लासेस हैं. इसमें ब्राउन एल्गी भी है, रेड एल्गी भी है, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, काफ़ी सारी इसकी क्लासेस हैं. तो हर क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट हैं और उनका रिप्रोडक्टिव मोड या उनका लाइफ साइकिल भी एक दूसरे से डिफरेंट है. कुछ एल्गी हैं विच आर ओनली हैप्लॉइड, ठीक है, वो सारी लाइफ में अपने हैप्लॉइड रहते हैं. ऐसे एल्गी के अंदर जो हैप्लॉइड लाइफ गुजार देते हैं यानी कि उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम का जो सेट है डेट इज़ सिंगल, दे आर हैप्लॉइड, तो वो उनका लाइफ साइकिल जो होता है उसे क्या कहते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की डायग्राम ये आप देख रहे हो दी हुई है. इसमें क्या होता है, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें प्लांट की बॉडी हमेशा गेमेटोफिटिक रहती है और उसके अंदर गेमेट्स बनते हैं. गेमेट्स बनते हैं स्पेसिफिक ऑर्गन्स के अंदर जिन्हें गेमेटेंजिया कहते हैं, और ये गेमेट्स जो हैं वो फिर फ्यूज करते हैं, इसे कहते हैं सिन गैमी, टुगेदर हो जाना, गैमी मीन फ्यूजन, और जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉयड जाइगोट. उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस से क्या बन जाते हैं, मियोस्पोर्स. मियोसिस से बने ना, मियोसिस का MEI उन्होंने लिया है और उसके स्पोर के आगे लगा के मियोस्पोर कह दिया है. फिर इनकी जर्मिनेशन होती है और जब ये हैप्लॉइड स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट करते हैं दोबारा से हैप्लॉइड बॉडी बनाते हैं. अब इसमें सिर्फ डिप्लॉइड जो फेज़ आई है वो सिर्फ जाइगोट की हद तक है, उसके अलावा नहीं आई, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें ओनली हैप्लॉइड एल्गी के अंदर जो लाइफ साइकिल होगा वो होगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. फिर एक होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. इसके नाम से पता चल रहा है ये किसके अंदर होगा, डिप्लॉइड एल्गी के अंदर. ऐसी एल्गी जिसके अंदर क्रोमोसोम सेट क्या होंगे, डिप्लॉइड. सम मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइटा एंड मेंबर्स ऑफ बेसिलेरियोफाइटा के तमाम मेंबर्स में, और कुछ मेंबर्स ऑफ फियोफाइटा. फियोफाइटा ब्राउन एल्जी को कहते हैं, बेसिलेरियोफाइटा डायटम्स हैं और क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्जी हैं, उनके अंदर ये लाइफ साइकिल होता है. आप इसको ज़रा देखें, स्पोरोफिटिक प्लांट इसके अंदर प्रेजेंट होता है. स्पोरोफिटिक प्लांट जो है ऐसा प्लांट होगा, इसके नाम से पता चल रहा है, जो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पोर्स. ये डिप्लॉइड प्लांट होता है और ये जो गैमेटेंजियम बनाता है वो कैसी बनाता है, डिप्लॉइड, ठीक है. डिप्लॉइड गैमेटेंजियम के अंदर मियोसिस होती है और जो जाइगोट्स जो वो बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, वो हैप्लॉइड बनते हैं. उनकी सिन गैमी वही फ्यूजन होती है, जाइगोट बन जाता है. जब जाइगोट जर्मिनेट करता है, जाइगोट इज डिप्लॉइड, वो जर्मिनेट करता है और वो डिप्लॉइड बॉडी बनाती है. अब इसमें सारी जो लाइफ साइकिल है इसमें आपको डिप्लॉइड स्टेज नज़र आ रही है, सिवाय ये गैमेट्स के,
क्रिमेट्स जो है वो एज सच कोई सेल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर प्लांट या एल्गी बॉडी नहीं है। तो इसमें जो फेज आती है ना हैप्लॉइड, वो सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम आती है। तो सारी लाइफ साइकिल मोस्टली क्या रहते हैं, डिप्लॉइड्स इन्वॉल्व हैं, जैसे स्पोरोफिटिक प्लांट, गैमिटेंजियम, जाइगोट, ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिप्लॉइड। तो इस लाइफ साइकिल को हम कहते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।